हाय फ्रेंड्स, यन एंड के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शाही राजमा कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं राजमा कबाब बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम कश्मीरी राजमा लिया है। देखिए ऐसा होता है, मैंने इसे 4 से 5 घंटा भिगा लिया है। देखिए ये कच्चा होता है तो ऐसा होता है, ये डार्क ब्राउन कलर में होता है, छोटा छोटा होता है। और मैंने रोस्टेड चना पाउडर लिया है, जीरा पाउडर लिया है, अमचूर पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, थोड़ा हींग लिया है, चाट मसाला लिया है, नमक लिया है, धनिया लिया है और गार्लिक, अदरक, मिर्चा ये मैंने लिया है। गार्निशिंग के लिए मैंने अनियन के को काट लिया है। आइए सबसे पहले राजमा को हम बॉयल करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने कुकर में राजमा को डाल दिया है। इसमें पानी डाल दूंगी। देखिए इतना पानी डाल देंगे। इसे 4 से 5 विसल आने तक कुक करना है। अगर कभी कभी राजमा हमारा अलग अलग क्वालिटी के राजमा होते हैं तो कभी कभी वो कड़ा हो जाता है, जल्दी बॉयल नहीं होता है, तो उसके लिए हम ज़्यादा विसल्स लगा सकते हैं। आप उसे चेक कर सकती हैं कि अभी हमारा राजमा सॉफ्ट हुआ है, ठीक से बॉयल हुआ है कि नहीं। अगर नहीं बॉयल होगा तो दोबारा कर सकती हैं, लेकिन मैं इसमें 4 से 5 विसल्स लगाऊंगी। फ्रेंड्स, 4 विसल्स हो गए हैं, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर लिया है। आइए चेक करते हैं हमारा राजमा हुआ है कि नहीं। बहुत अच्छा कुक हो गया। देखिए बहुत गर्म है, देखिए कैसे कुक हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमारा राजमा ठंडा हो गया। मैंने इसका पानी निकाल लिया है। अब मैं इसे मिक्सी में पीसने डाल रही हूँ। इसमें मैं लहसुन अदरक भी मिक्स कर दूंगी, एक ही साथ पीस जाएंगे। चिली भी छोटे छोटे टुकड़ा करके मैं इसे इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत अच्छा पीस जाता है। आइए देखते हैं, देखिए ये पीस गया है, बहुत अच्छा पाउडर बन गया है। फ्रेंड्स, हमारा राजमा पीस के तैयार हो गया है। अब मैं इसे बाउल में ले ली हूँ। अब इसमें सारे मसाले, जितने सारे इंग्रेडिएंट्स थे, अब इसमें ऐड करेंगे। रोस्टेड चना पाउडर बाइंडिंग के लिए होता है। मैं इसमें 4 टेबलस्पून रोस्टेड चना पाउडर ली हूँ, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ली हूँ, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ली हूँ एंड 1/2 टीस्पून चाट मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर लिया है, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट
आपको ज़्यादा नमक चाहिए ज़्यादा ले सकते हैं। और मैंने इसमें 1 पिंच हींग डाला है, हींग ऐड किया है। अब मैं इसमें धनिया भी ऐड कर ले रही हूँ। मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर लिए, अब मुझे इसमें मिक्स करना है। इसे अब हाथ से मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड्स रेडी, बहुत अच्छी टेस्ट आ रही है। फ्रेंड्स रेडी, इसकी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। हम इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स हम पैन लेंगे और फ्लेम ऑन करके पैन में मैं 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करूंगी। जब तक ऑयल हमारा गरम हो रहा है, हम राजमा का बॉल्स बना लेते हैं। फ्रेंड्स जब तक हमारा ऑयल गरम हो रहा है, हम राजमा के बॉल्स बना ले रहे हैं। ऐसे करके फ्रेंड्स हमारा ऑयल गरम हो गया। अब मैं कबाब इसमें रख रही हूँ। थोड़ी देर तक हम इसको ऐसे पकने देंगे, बाद में उसे उलट देंगे। फ्रेंड देखिए, हमारा एक साइड में रोस्ट हो लाल हो गया है। देखिए इसे पलट देंगे हम, ऐसे ऐसे करके इसको पलट देंगे। पलटने के बाद हम फिर से थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे। फ्रेंड्स हमारा कबाब हो गया। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करती हूँ। अब इसकी प्लेटिंग करती हूँ। अब मैं इसकी धनिया से गार्निशिंग कर दे रही हूँ। इस पे मैं चटनी डाल दे रही हूँ। फ्रेंड्स रियली ये बहुत टेस्टी बना हुआ है। आप घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, शाही राजमा कबाब। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ये बहुत टेस्टी बनता है। आप इसे पराठे से भी खा सकती हैं, चटनी के साथ भी इसको खा सकती हैं। आप इंजॉय कीजिए, आप इसे ट्राई कीजिए ज़रूर घर पे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए शाही राजमा कबाब।